Good afternoon to all my dear students. Today, welcome to my YouTube channel. Student, today I am going to teach math subject exercise 3C class 7. Exercise 3C के कुछ questions बचे थे student, तो मैं आज उनको भी finish कर दूंगा. तो ऐसे करके आज exercise 3C finish हो जाएगी. इसके बाद हम next exercise पर डिस्कस करेंगे, ठीक है. एक्सरसाइज 3C में क्या था, कैलकुलेट, या हम डायरेक्टली कहें कैलकुलेट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है. फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है 24.71 डिवाइडेड 13.23 dp. स्टूडेंट इसका मतलब है 24.7 में डिवाइड 7 में डिवाइड करना है 13 का, और डिवाइड करने के बाद उसका आंसर डेसिमल प्लेस में के बाद डेसिमल पॉइंट जहां लगेगा उसके 3 डिजिट तक उसका आंसर निकलना चाहिए. 3 dp का मतलब 3 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए उसका आंसर. तो 13 का डिवाइड करेंगे 24.71 में, 13 का डिवाइड 24 में करेंगे 13 बन जा 13. 2 बार में ज़्यादा हो जाता तो 1 टाइम, 4 में 3 सबटक होगा 1, 2 में 1 सबटक होगा 1. अब इसका डिवाइड इस पर नहीं हो रहा स्टूडेंट, पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, अंक ले लेंगे, डिजिट ले लेंगे 1 का. 13 का डिवाइड 111 में करना, 111 से मोर नहीं होना चाहिए, लेस हो जाए थोड़ा सा. 37 जा 91, 38 जा 104, और 39 जा 117 कितना है, 4 में 3 सबटेक 1 1, ठीक है. तो 39 जा 117 पर ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 38 जा 104, ठीक है. 11 4 गया 7. अब इसका डिवाइड इस पर नहीं हो रहा तो अंक ले लेंगे, इसको डिजिट ले लेंगे इसकी. 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78 ज़्यादा हो गया, 13 5 जा 65, ठीक है. तो यहाँ पे 7 5 सब तक हुआ अगर 2 6, पॉइंट लगा लिया तो डिवाइड कितने बार, वो 0 कितने बार भी इंक्रीज कर लो, 39 जा 170, ठीक है. 3, अब यहाँ 3 रिमाइंडर दे देने देते, क्योंकि आंसर कितने डेसिमल प्लेस तक बताया था, 1.859 तक, 3 प्लेस तक, 1 2 3, ठीक है. अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसी का है थर्ड, क्या है 16.7 डिवाइडेड 6 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि 2 dp. 6 का डिवाइड करना है 16.7 में, और 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है. 6 का डिवाइड करना है 16.7 में, 6 2 जा 12, 4 पॉइंट, ठीक है. 6 में 2 सब तक हुआ तो कितना है 4. अब डिजिट ले लेंगे इसको, 6 7 जा 42, 5 पॉइंट लग गया, डेसिमल कितने बार भी बढ़ा लो, वो 0 कितने बार भी इंक्रीज कर लो, 6 8 जा 48, 2, 0 में से 8 सब तक नहीं होता, 10 में से 8 सब तक हुआ तो 2. अब कितने डेसिमल प्लेस तक निकालना था, 2, तो 2, ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है. तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 कर लेते. 87
डिवाइडेड 0.7 टू 3 डीपी, डीपी मीन 3 डेसिमल प्लेस, 0.7 डिवाइडेड 87। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, 7 बन जा, 7 पॉइंट का तो कोई मीन ही नहीं है अभी इसमें, 1 7 टू जा 14, 3 7 फोर सब तक होगा 3, पॉइंट लगाओ नहीं 87 ही है, हाँ 87 ही है। पॉइंट फोर आएगा, जीरो इंक्रीज कर लेंगे तो 7 4 जा 28 2, फिर पॉइंट लगाओ जीरो वाला, 7 2 जा 14, जीरो में से फोर सब्टेक नहीं होता, 10 में से फोर सब्टेक होगा 6, पॉइंट लगा लिया एक बार तो जीरो इंक्रीज कर लो, 7 8 जा 56, 4 पॉइंट लगा हुआ है जीरो इंक्रीज कर लो, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 5 तो कितने डेसिमल प्लेस तक निकाला, 1 2 3 3 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे करके ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का है, गिव द फॉलोइंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एज डेसिमल, डेसिमल करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, 3 डिजिट तक निकालना, डेसिमल से 3 डिजिट तक, 3 प्लेस तक इसका आंसर लाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/6, सेकंड क्वेश्चन है 3/11, 3 नंबर का क्वेश्चन है 7/18। ठीक है, तो इन फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है, किसमें करना है, डेसिमल। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 6 का डिवाइड 1 में करते हैं, नहीं आता है, 0 लिख के पॉइंट, 6 बन जा 6, 4 नहीं हो रहा 6 का डिवाइड 4 में, तो पॉइंट लग चुका है, 0 इंक्रीज कर लो, 6 6 6 6 जा 36, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर गया मैं, नहीं नहीं सही है, 6 6 जा 36 सही है, राइट था वो, 10 में 6 गया 4, पॉइंट लगा हुआ 0 इंक्रीज करते चले जाओ, 6 6 जा 36, तो कितने 36, तो कितने प्लेस तक निकालना, 3 1 2 3, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है, 11 का डिवाइड 3 में करना है, तो डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लगाओ 0 इंक्रीज करो, 11 2 जा 22, 3 पर टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 0 में से 2 सब्टेक होगा तो 8, 1 टाइम पॉइंट यहाँ पर लगा दिया तो 0 इंक्रीज करते चले जाओ, 11 7 जा 77, 3 पॉइंट लगा हुआ है 0 इंक्रीज करते चले जाओ, 11 2 जा 22, तो ये देखो 3 1 2 3 पॉइंट से डेसिमल, 3 डेसिमल पॉइंट हो गए कि नहीं, 3 डेसिमल प्लेस हो गए, पॉइंट लगने के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना था तो ये निकाल दिया, आंसर आ गया। अब बाकी के सारे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं ये आपको करने हैं इसी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो कह रहा है इफ 6 पीपल, देखो यहाँ पे इफ 6 पीपल इक्वली शेयर ए बिल ऑफ 98.10, हाउ मच शुड ईच पे, इफ 6 पीपल इक्वली शेयर,
अगर छः लोग इक्वली बराबर शेयर ए बिल, एक अमाउंट को या बिल को छः पीपल अगर उसको डिवाइड करते हैं बराबर बराबर, 98.10 बिल है, 98.10 रुपये इतने रुपए हैं, और इन इतने रुपए को 6 पीपल अगर डिवाइड करते हैं तो बताओ एक को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल इक्वल 6, टोटल बिल इक्वल टोटल बिल शेयर 98.10 रुपये, फाइंड ईच पीपल, फाइंड हाउ मच शुड ईच पे। जब स्टूडेंट किसी चीज़ को हमें शेयर करना हो तो उसमें क्या होता है, बांटना पड़ता है, बांटने का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ईच पे निकालना है इज इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल बिल बिल अपॉन नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, ईच पे इक्वल इक्वल टोटल बिल कितना है 98.10, नंबर ऑफ पीपल 6, तो 6 का डिवाइड 98.10 में करो, 6 1 जा 6 3, सब स्टूडेंट जानते हैं डिवाइड करना, तो 6 6 जा 36, 8 में 6 का सबट्रैक्ट हुआ 2.6 3 जा 18, 11 से 8 सब तक होगा तो 3 6 5 जा 30, तो 16.35 रुपये प्रत्येक को मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ईच प्यूपल पे इक्वल 16.35 रुपये, ये हमारा आंसर होगा। देखो इसमें भी स्टूडेंट देखो ये वाला राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 35.00.005 को या 35 को 0.005 में इक्वल डिवाइड करना, तो बहुत ईजी है, 35 डिवाइडेड 0.005, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ऊपर उतनी ही जीरो इंक्रीज करो और पॉइंट हटाओ, 5 का डिवाइड इसमें करेंगे 5 7 जा 35 7000, कितने इसमें, ये वाला राइट है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर करने हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैंने आपको मैथ पर ईयर जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें मैंने बेसिक्स एक आपको लिस्ट बताई थी। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आ रहा है, थ्री डी जो चैप्टर आ रहा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि मैंने आपको जो टेबल बताई किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली, ये अगर टेबल सबको अगर कंप्लीट हो गई होगी तो निश्चित है ये एक्सरसाइज करने में किसी को भी परेशान नहीं होगी। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 3D है, एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, 8 किलोमीटर 2 मीटर, 8 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो सबको पता है 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, देन 8 किलोमीटर इक्वल 8000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई 8, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 8 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, ज़्यादा होंगे नहीं, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट कल फिर डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट।